झारखंड हॉकी टीम अंडर 19 से नेशनल टीम के लिए खेलने वाले कुंदन कुजूर सुविधाओं के अभाव में पिछड़ते जा रहे हैं। हॉकी के मैदान से राइट आउट से शानदार प्रदर्शन कर इस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कई बार जगह बनाई है। झारखंड टीम की ओर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ हैट्रिक गोल दागने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस खिलाड़ी की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में मेडल और सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी सरकार की ओर से कुंदन के लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। इस खिलाड़ी का झारखंड टीम से हॉकी खेलने के बाद नेशनल से खेलने का सपना अब भी अधूरा है। झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति में भी पिछड़ने से कुंदन काफी आहत है। आपको बताते हैं कि कुंदन कुजूर ने कई टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया है। इसमें झारखंड राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2016, सिमडेगा अंडर 17, झारखंड वन और पर्यावरण विभाग की ओर से ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता 2011, जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2007, राज्य स्तरीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता रांची 2018, नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड जोन प्रतियोगिता रांची, स्कूल गेम फाउंडेशन ऑफ इंडिया अंडर 19। इसके अलावा भी कई टूर्नामेंटों में कुंदन हिस्सा ले चुके हैं। देश को ऐसे शानदार खिलाड़ियों की बहुत ज़रूरत है। देश इन्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है और ऐसे बच्चों को मौका ज़रूर मिलना चाहिए जो अपना कैरियर गेम्स में बनाना चाहते हैं। आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।